नईम कुरैशी व आसिफ कुरैशी के विवादों को बढ़ता देख मुस्लिम सेवा संगठन के मुख्य संरक्षक हाफिज अकरम कुरैशी मीडिया के सामने आए और स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, जब तक नईम कुरैशी व आसिफ कुरैशी के बीच चल रहा वाद विवाद नहीं निपट जाता तब तक के लिए मुस्लिम सेवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष नईम कुरैशी व मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारी को यह निर्देश देता हूं कि मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई जैसे कि कार्यक्रम करना, किसी भी मसले पर अधिकारियों से मिलना या कोई भी बयान जारी करना या अन्य कुछ भी करने पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है। मैं हाफिज अकरम कुरैशी मुख्य संदर्शक मुस्लिम सेवा संगठन, मैं इस बात के लिए जो है आसिफ कुरैशी का और नईम कुरैशी का एक वाद विवाद जो मीडिया पर बराबर काफ़ी टाइम से चल रहा था उसको जो है पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंधित करने के लिए मैं अध्यक्ष को इस बात का संदर्शक होने के नाते आदेश देता हूँ कि वो किसी भी तरह की संगठन की गतिविधि में न हिस्सा ले और उसको पूरे तरीके से प्रतिबंधित करता हूँ और शहर के माहौल जैसे शांतिपुर हमारे शहर का माहौल बना हुआ है वो शांतिपुर बना रहे और उसमें कोई वाद विवाद खड़ा ना हो। देखिए एक संगठन का नाम लेकर जो है दो लोगों का झगड़ा चल रहा है और वो पुराना झगड़ा था और उसने जो है नया रूप ले लिया है। मैं दो उन दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके व्यक्तिगत झगड़ा है, आप व्यक्तिगत लड़े झगड़े या इसे निपटाए जो भी आपके मामले हैं, लेकिन इसको जो है किसी भी तरह का संगठन से जोड़ कर ना देखा जाए। अब मैं प्रतिबंधित करता हूँ संगठन के पदाधिकारियों को और जो है नईम कुरैशी को कि वो इसमें कोई भी गतिविधि संगठन में